कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। पालकों को राहत पहुंचाने के लिए कोर्ट ने स्कूल पहले की तरह संचालित नहीं होने तक के स्कूल संचालकों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके अभी स्कूल संचालक कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए पालकों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। इंदौर में ऐसे ही एक निजी स्कूल संचालकों की फीस वसूली से पीड़ित पालकों ने आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया है। दरअसल इंदौर के राजमहल्ला क्षेत्र में स्थित वैष्णव स्कूल में अध्ययनरत स्टूडेंट के पालकों का कहना है कि सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के बजाय प्रबंधन हर तरह का शुल्क पालकों से वसूल कर रहा है। पूरी फीस नहीं भरने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किया जा रहा है। जोरीज मैडम है और हमने ट्रस्टी से भी मैडम जी ने ट्रस्टी से बात करवाई, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि फीस कम नहीं की जाएगी। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम और कहाँ पर स्थित है ये? वैष्णव गर्ल्स वैष्णव क्लॉथ मार्केट है, इसमें 9th में मेरी बच्ची पढ़ती है और उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर वैष्णव क्लॉथ मार्केट, वैष्णव एकेडमी, वैष्णव हाई सेकेंडरी, इन तीनों स्कूलों के पेरेंट्स हैं और ये कई बार कोशिश कर चुके हैं, कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वह एक ही चीज़ पर अड़े हुए हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट का आदेश है, हम कोर्ट के आदेशों अनुसार ही फीस ले रहे हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस भी बुलवाई है, तो क्या आप किसी तरह का उपद्रव कर रहे थे क्या? नहीं, यहाँ पर 3 बार मीटिंग हुई, तीनों बार हमने हाथ जोड़ के निवेदन ही करा और आज भी निवेदन ही करने आए। प्रिंसिपल मैडम के पास मैं मिलने गया, मैंने उनके पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी, अगर मैडम जी मैंने कुछ भी अगर गलत कहा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। बस हम रिक्वेस्ट लेके आए हैं, सभी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट यही है कि 50% फीस की जाए। 50% फीस होते ही सारे पेरेंट्स धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर देंगे। बस हमारा यही अनुरोध। मेरा नाम सपन जैन है। सर, आज सुबह हम 8:30 बजे सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए यहाँ पर, 8:30 से 11:30 बज गई है, अंदर कोई लेने को तैयार नहीं। हम यहाँ पर आए इकट्ठा हुए, गार्ड को बोला भैया गेट खोल दो, क्यों हम क्यों आए हैं? बोले हम तो फीस से कम कराने आए हैं। गार्ड ने गेट नहीं खोला और ताला अंदर से आके ताला लगा दिया। हमने यहाँ पुलिस भी बुलवा ली, फिर हमने थोड़ी बहुत नारेबाजी भी करी, अंदर से उन्होंने साफ मना कर दिया हम फीस कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्कूल फीस है, पहले बोला था, पहले मीटिंग में इन्होंने बोला था हम सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लास चलेगी। ऑनलाइन क्लास से बच्चों को रिमूव कर दिया गया है। बच्चे हमारे बोलते हैं कि पापा आज हमें ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया, हम नोट्स कहाँ से लेकर आएँ? दूसरे से मांगते तो उन्होंने साफ बोल दिया लिंक भी नहीं डालना है आपको दूसरे बच्चों को। ट्यूशन फीस हमने सब सारे पेरेंट्स एग्री हो गए ट्यूशन फीस भरने के लिए, ट्यूशन फीस के नाम से इन्होंने सारी फीस जोड़ के ट्यूशन फीस में लगा दी। अब आप बताएं हम कैसे भरेंगे ट्यूशन फीस? क्या करेंगे आगे? नारेबाजी तो आप कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो यहीं बैठे रहेंगे आज 4-5 बजे तक जब तक यहाँ ट्रस्ट से नहीं मिलवाएंगे हमको। कौन है ट्रस्ट के मुख्य? यहाँ पर 8-10 लोग हैं और जोहरी मैडम करके प्रिंसिपल है यहाँ पर, पसारी जी हैं ट्रस्ट में। अभी 2 ट्रस्टी लोग बाहर भी आए थे, ये माहौल देखना आए थे कितने लोग बचे हैं कितने लोग चले गए। अंदर से कुछ ऐसा आदेश भी आया था कि चिल्लाने तो थोड़ी देर, कब तक चिल्लाएंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। हमारा प्रण है हम 4 नहीं 5 ना रात भर बैठेंगे, आज हमारा पूरा काम करके जाएंगे यहाँ से। चक्का जाम किया जाएगा। मेरा नाम अभिषेक कश्यप, मेरा बेटा 10th। चक्का जाम कौन कर रहा है? नहीं, चक्का जाम नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्ण। नहीं, चक्का जाम नहीं किया। यहाँ पे हमने बिल्कुल हाथ झटकार दिए है ये बोलकर कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी है ट्रस्ट के हाथ में है। तो जब तक ट्रस्टी आकर यहाँ पे मिलेंगे नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक 50% फीस नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमार को हर बार हवाला दिया जाता है कि हम आपकी बात को आगे तक पहुँचा देंगे, लेकिन हर बार यही होता है कि हमको बुलाते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर बिठाते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचा देंगे, और उसके बाद कुछ नहीं होता है वापस। और अब तो हमारे बच्चों को क्लास में से भी रिमूव कर दिया है, उसका बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमको हमारे स्कूल से निकाल दिया है। अगर बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये हमको स्कूल से पूछना है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में अगर कुछ भी कर लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी 50% फीस होना चाहिए और उसके लिए हम यहाँ पे आखिरी तक खड़े रहेंगे और आखिरी तक आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सपना सोमानी है।